यहां पर तीन लोगों ने जो इंटरनेशनल फेम के लोग हैं, तीन लोगों का वर्णन हमने किया है। प्रजापति फाउंडेशन जीवन परिक्रमण में आप सबों का स्वागत। नंबर एक है बीबी चौहान, उन्होंने दिया है एक फ्री एनडीए स्कीम, मतलब न्यू डाइट स्कीम। दूसरा जो विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने दिया डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट, डी का मतलब होता है डिसिप्लिन एंड आई से इंटेलिजेंट और पी से प्लान। और तीसरा जो दिए हैं उनका नाम है खादर, खादर वाली। तो ये तीन थ्री, और तीनों का निचोड़ यही है थ्री कंपोनेंट। पहला है फास्टिंग, दूसरा है ईटिंग, तीसरा है क्लिंचिंग। उपवास बारे में इंटरमीटेंट फास्टिंग, और इस उपवास पर हमारे पूर्वज से लेके सालों हजारों साल से उपवास की बात चलती आ रही है। तो पहला जो अवयव है कंपोनेंट है उपवास। आप लोगों को मालूम ही है, पहले बात हुई थी कि उपवास पर नोबेल प्राइज भी लोगों ने लिया है। देखिए इसमें सीधे सीधी बात है, 16 और 14 घंटे का उपवास क्या है? 8 बजे खा लेते हैं और दूसरे दिन 10 बजे खाते हैं, महिलाओं के लिए तो 14 घंटा का उपवास हो गया। पुरुष के लिए अगर 8 बजे के जगह 7 बजे कर दीजिए और दोपहर में दूसरे दिन खाना 11 बजे कर दीजिए तो 16 घंटे का उपवास हो गया। तो ईटिंग टाइम 8 घंटा हो गया। बीबी चौहान जिनका थ्योरी का नाम है एनडीएस न्यू डाइट स्कीम, उसमें क्लिंजिंग में दिए हैं कि एनिमा, उनका कहना है एनिमा का मशीन खरीद के घर में रखिए और एक महीने डेली तीन बार, उन्होंने बोला है, उन्होंने तीन महीना बोला है लेकिन एक महीना अगर किया जाए, तीन बार नहीं एक बार भी किया जाए तो बॉडी का क्लीनिंग क्लिंजिंग हो जाएगा। डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी जो डीआईपी डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट प्लान, उनमें उन्होंने बोला है कि नहीं, आप जितना रफेज खा रहे हैं जिसमें आपका फाइबर्स ज्यादा हो वो अगर खाते हैं तो खुद ब खुद बॉडी का क्लिंजिंग हो जाएगा, बॉडी की सफाई हो जाएगी। और तीसरा थ्योरी जो खादर वाली का है, उन्होंने श्रीधान्य प्रोडक्ट दिया, श्रीधान्य बचपन से या पीढ़ी दर पीढ़ी गेहूं और चावल, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है, इनका कहना है नहीं अब इसमें से बाहर आइए, क्योंकि गेहूं की स्थिति ये है और चावल की, इतना एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस पर, इतने हाइब्रिड्स निकल चुके हैं, क्योंकि 700 करोड़ दुनिया की जनसंख्या है और इनको खिलाने के लिए गेहूं सबसे उपयुक्त है, चावल उपयुक्त है, इसमें इसके पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो हम इससे थोड़ा हटे कि इनका तो कहना है कि 5 छोटे छोटे अनाज, चीना, समा, कोनी, किसी भी है, तो ये 6 एक तरह समझिए तो इसका हम दलिया बना लें तो ये खाना है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस करना है कि हम लोग अवेलेबल क्या है, तो हमारे यहाँ अवेलेबल अब बड़ा अनाज है चावल और गेहूं के अलावा, हर जगह रागी, हर जगह बाजरा है, ज्वार है, हर जगह कोदो है, जौ है, जितने एक दलिए जितना है ये जौ है। इसको हम लोग या तो बदल बदल के खाएं, मतलब आज गेहूं का खा लिए तो कल जौ का खा लिए, परसों बाजरा का खा लिए, सबको मिला दे। लेकिन क्या होता है कि बाजरा और ज्वार ये जो रोटी बनाते हैं तो हाथ पर बनाना पड़ेगा, बेलना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसमें जौ मिला देते हैं तो लसापन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लिंचिंग की बात हो गई, कि जब खादर अली बोलते हैं कि जब हम ये सब अनाज खाएंगे तो शरीर जो है खुद ही सफाई हो जाएगा इस अनाज से, क्योंकि अभी जो गेहूं, बहुत सारे लोग गेहूं क्या करते हैं उसमें लिखा होल ग्रेन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल खाना है, रॉ खाना है, कच्चा खाना है। तीनों जो है एनडीएस में भी, डीआईपी में भी और श्री धनिया में भी सभी यस बोले हैं, मतलब तो कच्चा खाना बहुत लोग डर रहे हैं। अब ये भी बात हुई है कच्चा खाना, क्योंकि हम पिछले 8 महीना से खुद खा रहे हैं कच्चा खाना, और ये लोग तो 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक पर तो अब लोग कन्वर्ट हो रहा है। कच्चा खाने में अगर ये डर है कि पेस्टिसाइड या लगा रहता है तो एक बात जान लीजिए, जब पका देते हैं तभी वही पेस्टिसाइड रहता है, तो गर्म पानी में मन करे तो धो के निकाल लीजिए, ठंडा पानी में 1-2 घंटा फुला के निकाल लीजिए, पेस्टिसाइड घुल जाएगा, उसके बाद खाइए। लेकिन रॉ खाना है एज मच एज पॉसिबल।
रामदेव जी बोलते हैं और सदगुरु जी बोलते हैं रॉ खाने में कद्दू का जूस क्या होता है, रॉ है, और कद्दू का छिलका नहीं उतारना है आपको, ये है तो पानी में फुला दीजिए, जो निकलना है निकल जाएगा, खीरा का छिलका नहीं निकालना है। और दूसरा बोला फ्रूट्स, चौहान साहब बोलते हैं कि लोकल और क्षेत्रीय फल खाइए, मतलब अब कहीं से आ रहा है वो नहीं, लोकल जो मिले क्योंकि सस्ता पड़ता है, अमरूद मिले अमरूद खा लीजिए, कटहल मिले कटहल खा लीजिए, तरबूज मिले तरबूज बताई थे कि हरा लाल और हरा दोनों का बना लीजिए, दोनों खाइए, हम लोग दोनों खाते हैं, हल्का पतला छील लेते हैं और पूरा तरबूज खाते हैं। तो उसके बाद डीआईपी में भी इन्होंने बोला है विश्वरूप कि फल खाइए, श्री धनिया का प्रोटोकॉल में ये है, खादेर वली बोलते हैं उन्होंने फल का महत्व कम दिया है, इन्होंने महत्व दिया है कि अनाज आप पूर खाइए लेकिन अनाज में चोकर होना चाहिए, बॉडी को साफ कर देगा। तो ये आप जज कीजिए। अब देखिए फल कितना खाना चाहिए, होता क्या है ना कि फल में लोग डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरना है, फल में भी है एसिडिक फल भी है तभी खाइए, कोई परवाह नहीं है। तो हम जो बोल रहे हैं खुद भी एक्सपेरिमेंट किया, अभी लोग तो 15 साल 20 साल से एक्सपेरिमेंट किया है, सुबह में कद्दू खीरा व्हाइट कद्दू जो पेठा है ये जरूर खाइए, लेकिन इनको ये पता है कि फल थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए ये इस कारण से बोलते हैं कि छोटे छोटे अनाज जो है सब वो खाइए, पेट क्लिनिंग हो जाएगा पेट में। फल खाने का मकसद क्या है, फाइबर, आपको फाइबर कितना चाहिए, 36 ग्राम पर डे फाइबर एक पुरुष को चाहिए और 25 ग्राम फाइबर एक महिला को चाहिए, तो इसीलिए रॉ में हमको जाना है, तो सलाद जितना हो। अब देखिए विश्वरूप राय चौधरी डीआईपी डाइट में साफ लिखे हैं कि जितना आपका वजन है उतना 10 ग्राम, 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम फल खाना है, रॉ सब्जी आपको खाना है 5 ग्राम पर किलो, माने 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम रॉ सब्जी खाना है, घर का बना सात्विक भोजन। अब इनका कहना है घर का बना क्यों, कि बाजार के बना हुआ किस तरह का तेल रहता है, क्या रहता है, कैसा डालता है, आप उसके किचन में जाइए, होटल के किचन में, तो पता चल जाएगा कि क्या घटिया। समोसा बिल्कुल बंद कर दीजिए, समोसा खाए हुए लोगों को परेशानी हम देख चुके हैं। एनडीएस में कहना है कि भोजन आपको एक बार ही लेना है, देखिए थोड़ा एक बार, मतलब कहने का मतलब है कुक्ड भोजन की बात कर रहे हैं, कुक्ड भोजन आपको एक बार लेना है, बाकी फल और सब्जी रॉ खाना है, एक ही बार कुक्ड भोजन खाना है, चाहे आप बना लीजिए, चाहे आप दोपहर में एक बार खाइए, रात में खाइए, कभी एक मत से बोले 8 बजे के पहले आपको खाना खा लेना है। डीपी राजा डीआईपी भोजन, मतलब डिसिप्लिन इंटेलिजेंट प्लान में विश्वरूप राय चौधरी सीधे बोलते हैं मध्यम रूप से खाना, माने दो बार वो बोले हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में और शाम में, मतलब कि लंच और डिनर आप दो बार ले सकते हैं अनाज, मतलब घर का बना खाना, लेकिन वो कह रहे हैं कि दो प्लेट, प्लेट ए और प्लेट बी, प्लेट ए में आपका सलाद होना चाहिए और प्लेट बी में भोजन, फिर रात में प्लेट ए में सलाद, प्लेट बी में भोजन, प्लेट ए में सलाद पहले भर पेट खा लेना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, एक कुक्ड एक अनकुक्ड खाने को कभी मिक्स मत नहीं करना है, तो सलाद पहले खा लीजिए, कितना खाना है, जितना वजन है उसका 5 ग्राम, 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम सलाद खाना है एक आदमी को। अब दो बार आप खा रहे, दो बार सलाद ले रहे हैं तो आधा आधा करके खाना है, जैसे ही आप खाना सलाद ले लेंगे आप समझ सकते हैं कि आपका कुक्ड भोजन कम हो जाएगा, ऐसे ही कम हो जाएगा। एनडीएस में बोलते हैं एक टाइम खाना है कुक्ड, डीआईपी बोलते हैं दो टाइम खाइए, उसको एक टाइम कर लीजिए कोई बात नहीं है, और फिर श्री धान्या जो है वो बोल रहे हैं 3 बार ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनाज हम जो बता रहे हैं वो होगा और जो सलाद है उसके साथ चलेगा। इनका कहना है कि फ्रूट्स महंगा है, बहुत लोग नहीं ले, और ये जन साधारण के लिए। चौथी बात आइए कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस, हर्ब्स में है पुदीना, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब चीजें चटनी के रूप में लीजिए, सलाद में डाल दीजिए, और मसाले, देखिए हमारे यहाँ मसाला शब्द कहाँ से है मालूम है, ये उर्दू शब्द है या अरबी शब्द है मसाला, हमारा
शब्द जो है जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है वो लिखा है औषधि। तो ये सारे मसाले औषधि में, आपके किचन में जितने मसाले हैं सभी औषधि हैं, सभी मेडिसिन हैं, लेकिन मेडिसिन मात्रा में लेना है, वो उसको कम मात्रा में आप खाना में मेडिसिन डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हो सकता है तेल की बात क्या हो, तेल नहीं लेना है, रिफाइंड तेल, उजला नमक, उजला चीनी किचन में नहीं रहना चाहिए, ये एकदम संकल्प कीजिए किचन में नहीं रहना चाहिए। अगर है भी तो कहीं कोने में रख दीजिए, कभी कभार जरूरत पड़ा तो ले लीजिए, रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं। क्योंकि रिफाइन, अगर तेल को बार बार फाइन बनाया जाए, रिफाइन किया जाए, तो निश्चित है उसमें केमिकल से रिफाइन किया, तो उसको बिल्कुल भूल जाना है रिफाइन। ये तीनों लोग बोलते हैं रिफाइन में नहीं आना है। अब देखिए, जानवर से लिया गया भोजन का दूध ये भी नहीं लेना है। देखिए तीनों काटे, तीनों लोग बोल रहे हैं कि नहीं लेना है। बहुत बार पीछे बता दिए हैं कि जितना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा खपत है, तो उसमें अल्टरेशन होता है, एक बात हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जर्सी गाय का दूध ए वन टाइप जूस दूध होता है, जो आपको आपके लिए हार्मफुल है, फायदा कुछ देता होता नहीं है, क्योंकि एक ही खुट्टा में गाय बंधी रहती है, उसका एक्सरसाइज तक नहीं होता है, दूध दूता है और चलाने खाना खिलाया जाता है, हरियाली नहीं खिलाया जाता है, वो दूध कैसा होगा। अगर अल्ट्रेशन बात हटा भी दें तो आप सोच सकते हो दूध कैसा होगा, वो उसको कन्वर्ट कर दीजिए जूस या फल में, ठीक है। दूसरी चीज है ए टू टाइप दूध ले सकते हैं, ए टू टाइप मतलब देसी गाय का दूध, जिसको लोग चराने ले जाते हैं। अब देखिए दही लस्सी छाछ, पहले दूध अगर ऐसा मिल रहा है तो दूध मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेना है, पहले बोल दिए। मान लीजिए आपका मन है लेने का, तो दही लस्सी छाछ में क्या है कि जैसे ही दूध का फर्मेंटेशन होता है, दूध का गुण खत्म हो जाता है और वो फर्मेंटेशन के बाद उसका गुण दूसरा आ जाता है। तो कहने का मतलब है तब आप ले सकते हैं, कब लेंगे अब ये सुन लीजिए, निशांते पिबेत बारी, मतलब रात जब खत्म हो तो सुबह पानी पीना है, सुषुम पानी घुट घुट करके पीना है, कोई परेशानी नहीं होगी। निशांते पिबेत बारी भोजनांते पिबत तक्र, मतलब दोपहर का भोजन ले रहे हैं तो तक्र पीजिए, बहुत जगह तक्र मतलब होता है छाछ। लस्सी में तो चीनी डाल देते हैं ना, छाछ में चीनी नहीं डालते हैं, तो लस्सी नहीं छाछ या दूध, दही को घोल लीजिए पीजिए, दही ही खा लीजिए, लेकिन दोपहर में। दिनांते भोजनांते के बाद दिनांत, दिन खत्म हुआ, ऐसा नहीं रात में, दिन खत्म हुआ तो दूध पीजिए। तो दूध उन समय वो ए टू टाइप का दूध चलता था, उस समय भागवत जी लिखे हैं, अगर वो दूध मिल जाए पीजिए, कब कोई बात नहीं, लेकिन दिन खत्म हो तब, ये नहीं रात में लेके पी के सो गए, वो सुपाच्य नहीं होता है। तो दूध या दूध प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, अगर छाछ ही सब लेना है दोपहर में लीजिए, मन है तो जरूर लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि दूध का गुण छाछ जैसे फर्मेंटेशन होता है गुण बदल जाता है, तो ले सकते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखते हैं, एनडीएस न्यू डाइट स्कीम, बीबी चौहान लिखते हैं मत लीजिए, डीआईपी विश्वरूप राय चौधरी भी सीधे लिखते हैं मत लीजिए, लेकिन श्री धन्य प्रोटोकॉल में खादर वाले लिखते हैं कि ले सकते हैं, टाइप टू होना चाहिए। सूखा मेवा और बीज पर भी आ जाइए, इस पर भी लोग बताए हैं कि सूखा मेवा आपको कितना खाना, आपका वजन का 1 ग्राम, आपका वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम से ज्यादा मेवा नहीं खाना है, ध्यान में रखिए। मेवा और बीज, बीज में क्या है, कद्दू का बीज, अलसी, 1 चम्मच अलसी खा लिए, अलसी मतलब तीसी, चिया सीड्स। इसमें एक बात याद रखिए कि कम से कम सोक्ड होना चाहिए, 2 से 3 घंटा फुलाया हुआ होना चाहिए, ताकि उसमें टॉक्सिन जो है निकल जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। श्री धनिया वो थोड़ा सा इसमें लिबरल हुए हैं, वो बोलते हैं कि सब लोग खा नहीं पाएगा तो मूंगफली खाइए, मूंगफली पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मूंगफली को रात में फुलाइए, सुबह खाइए। पहले भी हम लोग बोले हैं,
सब गुरु जी बोल रहे हैं मूंगफली रात में फुलाइए, सुबह खाइए, खून के शौकिया टेस्ट के लिए खाते हैं, डेली खाना अगर है तो फुला के खाइए, टॉक्सिंस कम हो जाते हैं। तो ये चीजें हमने एक चार्ट बना के दे दिया, आप समझ में आ गया होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है और ये आपको करना ही है। बहुत खोज के, बहुत करके, बुक्स और बहुत सारी चीजें लाके हम ये सब तैयार किए हैं ताकि आपको ये करना ही है, ये सोच लेना है, क्योंकि कारण एक ही कारण है। अभी 105 वर्ष की महिला को मिला ये पद्मश्री अवार्ड, पता होगा। तो ये 90 वर्ष अगर पक्का है और जिनका उम्र 30 से 40 के बीच में वो 100 वर्ष वाले हैं, ये पक्का है, एकदम सोच लीजिए। तो हमको उस समय तक न बीपी होना चाहिए, डायबिटीज होना चाहिए, डीआईपी भोजन अगर आप करते हैं जो बताए हैं, मतलब फल और सब्जियों को बढ़ा रहे हैं, तो गारंटी देते हैं कि एक महीने में डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, स्किन डिजीज 6 महीने में कंट्रोल में आ जाएगा या ठीक हो जाएगा। और इसको करिए, बिल्कुल करिए, बहुत बढ़िया रहेगा, पूरा एनर्जी रहेगा, कहीं भी आपको एनर्जी लेस लेगा, खूब मन करेगा। 90 वर्ष के उम्र में अगर दौड़ नहीं लिए तो फिर कहना क्या है, तो उस समय तक तो दौड़ते हुए रहना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य है वैधस्य किम परियोजना, यानी हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें हमारी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बल मिले और हम आजीवन स्वस्थ रहें।